हिंगोनिया गोपन और मांस केंद्र में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि 90% गोवंश का जो पेट में जो है पॉलीथीन भरा हुआ है। पॉलीथीन जो है पेट का अंदर इतना बन जाते कि लगभग आप मान के चलिए लोहे का एक फुटबॉल बना हो। हमारा यहाँ पे जो सर्जन है उनके लिए तो पसीना छूट जाते हैं उसको पॉलीथीन निकालने के लिए, क्योंकि वो पॉलीथीन तो बाहर निकल नहीं सकती है, पेट में स्टोर हो गया, उसको काटना ही सबसे बड़ा मुश्किल का काम है। जो भी रास्ते में एक्सीडेंट हो जाते हैं या दूध देने का बाद दूध देना बंद कर देते हैं, ऐसे गाय जो बचे हुए जिंदगी का भरण पोषण के लिए यहाँ पे लेके आए जाते हैं। हिंगोनिया एक प्रदेश का सबसे बड़ा पुनर्वास केंद्र है। 2016 में यहाँ पे 8,000 गोवंश थे और आज यहाँ पे 18,000 से भी ज़्यादा गोवंश का रखरखाव उनका देखभाल चल रहा है। हॉस्पिटल का अंदर एक ICU है तो उसके अंदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 400 से 500 गोवंश वहाँ पे हमेशा एडमिट रहते हैं। सूखा चारा हरा चारा के अलावा गायों के लिए जो सीजनल अवेलेबल वेजिटेबल्स वो खिलाना भी बहुत ज़रूरी होते हैं। गोवंश का जो संख्या जो है बढ़ती जा रही है। हाथ जोड़ के यही विनम्र निवेदन है कि आप सभी हमें मदद करिए ताकि हम इस बरसात का मौसम का पहले पहले गोवंश को प्रॉपर रखरखाव के लिए शेड बना सके और उसका साथ में उनको जो खाने पीने का सामान का जरूरत है, चारे का गोदाम हो या TMR मशीन्स हो, इन सब संसाधन का हम व्यवस्था कर सकें।